मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑटोकोनर कैलकुलेशन के बारे में डिटेल बताएंगे और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताएंगे, क्यों कैलकुलेशन किया जाता है। आपको मालूम होगा ऑटोकोनर का कैलकुलेशन अगर सही ढंग से करेंगे नहीं तो अपना उसका असर रिम फ्रेम की प्रोडक्शन, रिम फ्रेम की एफिशिएंसी का ऊपर भी पड़ेगा और वो डब बैलेंस कभी कभी बढ़ जाता है, इतना तो बॉबिन शॉर्ट भी होता है, तो बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए ऑटोकोनर की प्रोडक्शन हर सुपरवाइजर, ऑटोकोनर का जो है स्पिनिंग सुपरवाइजर भी है या प्रोडक्शन मैनेजर, सबकी जानकारी में होनी चाहिए क्या उसका फंडा है, कैसे उसको कैलकुलेशन करके ड्रम वगैरह सेट करते हैं। समझ लो रनिंग मशीन जो अपना वर्किंग मशीन है उसी हिसाब से अपन ड्रम सेट नहीं करेंगे तो किसी में बॉबिन शॉर्ट हो जाएगा, किसी में माल बिल्कुल BSS हो जाएगा, तो कुल मिला के ऑटोकोनर का एफिशिएंसी भी लॉस हो जाएगा और उसके कारण अपन को प्रोसेस में मटेरियल फ्लो बराबर नहीं होगा। और ऑटोकोनर प्रोडक्शन का कैलकुलेशन में डिटेल बताऊंगा आज, उससे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या देखो। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव से अब ऑटोकोनर कैलकुलेशन, ऑटोकोनर कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल। स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल मतलब समझ लो अपना मिक्सिंग से लेके रिम फ्रेम तक जैसे मटेरियल फ्लो हो गया आता है, जैसे प्रोसेस में आ रहा है, अगर ऑटोकोनर कैलकुलेशन आप ढंग से नहीं करोगे रिम फ्रेम में डब अकुमुलेट हो जाएगा, अकुमुलेट हो जाएगा, किसी में BSS हो जाएगा ऑटोकोनर में, तो ये स्मूथ फ्लो के लिए अपन ऑटोकोनर कैलकुलेशन करके और ड्रम या ग्रुप बराबर सेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑटोकोनर कौन से अकाउंट में कितना है वो कैलकुलेशन करके आपको लगाना पड़ेगा और वो तब होगा जब आपको ऑटोकोनर का प्रोडक्शन कैलकुलेशन आता होगा। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स टू सेट नंबर ऑफ ड्रम्स पर काउंट वाइज, मतलब काउंट वाइज कौन सा मशीन कितना ड्रम रहेगा काउंट वाइज। जैसे समझ लो आपके पास, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 30 का भी चल रहा है, 40 भी चल रहा है, 24 भी चल रहा है, तो इसमें कितना रिम फ्रेम चल रहा है आप पहले ले लेने का और रिम फ्रेम के हिसाब से कितना ड्रम कौन सा काउंट में रखना है और वो लेने का। तो इसीलिए ऑटोकोनर कैलकुलेशन टाइम में स्पीड वगैरह कौन से काउंट में कितना रखना है, कितना ड्रम में ये मटेरियल निकल जाएगा, वो कैलकुलेशन बढ़िया से करना पड़ता है। इट हेल्प्स टू कीप मिनिमम डब बैलेंस इन ऑटोकोनर। अगर आप कैलकुलेशन ढंग से करोगे रिम फ्रेम वाइज कितना ड्रम है क्या है, तो उस हिसाब से आपकी क्या होगा, ये जो डब बैलेंस जो होता है बिल्कुल मिनिमम रहेगा। आप ये मान के चलो समझ लो 25,000 स्पिंडल का खाता है तो उसमें कम से कम आपको 12 से 15 डब बैलेंस होनी चाहिए और कम डब रहने से भी खराब रहता है क्योंकि BSS हो जाता है ऑटोकोनर, तो मिनिमम डब बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स कंटिन्यूअस रिम फ्रेम एम्प्टी बॉबिन सप्लाई। अगर आपकी ऑटोकोनर कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रम सेट कर दिया तो आपकी रिम फ्रेम का जो खाली बॉबिन है बराबर मिलता रहेगा, वो एक मतलब कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, कोई रिम फ्रेम बॉबिन सेट में हर्जा नहीं होगा। इट हेल्प्स टू हाईलाइट हाई कट्स पर 100 किलोमीटर ऑफ मटेरियल। ये जो होता है जब अपना ऑटोकोनर कैलकुलेशन बराबर रखोगे तो आपको मतलब जो क्रिस्प में समझ लो आपने 24 काउंट में एग्जांपल 4 मशीन चल रहा है, 4 मशीन के हिसाब से आपने ड्रम सेट कर दिया तो उसमें समझ लो मटेरियल निकल नहीं रहा है, तो उसमें आपकी जो अगर हाई कट्स है तब वो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब देखो 24 काउंट में कट ज़्यादा है इसीलिए मटेरियल निकल नहीं रहा है, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रम सही डाले तो हाई कट्स भी आपकी मालूम पड़ जाएगा। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज हार्डवेस्टिंग डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट में हार्वेस्ट वगैरह कंट्रोल करने में भी फायदा रहेगा। मतलब कैसे कम से कम हार्वेस्ट आएगा, अगर सेटिंग बराबर रखेगा, समझ लो एक 40 काउंटी के ऑटोक्रॉन में आपकी 1300 की स्पीड में आपकी कैलकुलेशन में प्रोडक्शन निकल जाता है जितना रिम फ्रेम है, तो इसको अननेसेसरी आप 1500-1600 रखोगे तो हार्वेस्ट बढ़ जाएगा। तो वही हुआ ना, मतलब आप अगर कैलकुलेशन ढंग से रखोगे, जो स्पीड रखना चाहिए उसी हिसाब से रखोगे, हार्वेस्ट ज़्यादा क्यों बढ़ेगा। तो हार्वेस्ट कम करने में भी ये मदद करेगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर ड्रम इन ऑटोकॉनर। ऑटोकॉनर का जो पर ड्रम जो प्रोडक्शन होता है, वाइंडर वाइज जो बनता है रिपोर्ट, उसमें भी ये कैलकुलेशन ढंग से बना के रखोगे तो आपको पर ड्रम जो प्रोडक्शन किस में कम है क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा। समझ लो आपने टारगेट 30 काउंट में आपकी 12 केजी, समझ लो एग्जाम्पल आएगा 8 घंटे में शुड भी, तो आपको 12 केजी अगर आएगा तो उसमें पर ड्रम 12 केजी आना चाहिए। अगर कम आता है तो आप इसको हाईलाइट करके आप बात कर सकते हो। इट हेल्प्स टू ट्रेस आउट अबनॉर्मलिटीज ऑफ स्पिनिंग डिपार्टमेंट। अगर आपने ड्रम और स्पीड वगैरह सेट कर दिया, उसके बाद में आपकी मटेरियल निकल नहीं रहा, इसका मतलब स्पिनिंग से अबनॉर्मलिटी आता है, बॉबिन में कमी रहता है, कोई लपेटा रहता है, कोई रिंग कट रहता है, कोई लो टिपे बॉबिन रहता है वो भी आपको मालूम पड़ जाए, कोई लंग लपेटा रहता है, वो सारी चीज़ आपको ट्रेस आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ए फॉल्टलेस एन पर पैकिंग। आपके अगर ऑटोकॉन का स्पीड और नंबर ऑफ ड्रम बराबर सेट करके रखेगा, जो काउंट में जो स्पीड चलना चाहिए जैसे रहना चाहिए रखेगा, तो आपके ऑटोकॉन का जो फॉल्ट है बराबर कटेगा, फॉल्ट कटने के बाद फॉल्टलेस धागा आपके आगे मिलेगा, मतलब बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। इट हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन रिम फ्रेम एज वेल एज इन ऑटोकॉनर। ऑटोकॉनर और रिम फ्रेम दोनों जगह आपकी एफिशिएंसी बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद इट हेल्प्स टू हाई लाइट अलार्म बॉबिन्स और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बॉबिन्स। ये अगर आपके कैलकुलेशन बराबर रखोगे, आपके अलार्म बॉबिन जो डिफेक्टिव बॉबिन है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हाई आईपीआई बॉबिन वगैरह वो सब आपकी पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑटोकॉनर का जो प्रोडक्शन कैलकुलेशन करते हैं उसे क्या क्या चीज़ अपन फैक्टर को नज़र में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, काउंट ऑफ यान रपिंग काउंट आपको लेना पड़ेगा। रिम फ्रेम में जो काउंट का रपिंग रखते हो, जो अपना एसक्यूसी में चेक होता है, वो काउंट प्रोडक्शन के लिए आपको लेना है। और सिंगल प्लाई और डबल प्लाई, अगर सिंगल प्लाई है तो वो क्या गेज रहेगा और क्या स्पीड रहेगा, डबल प्लाई होगा स्पीड ज़्यादा ले सकते हो, गेज भी थोड़ा ओपन कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको स्पीड भी डिसाइड हो जाएगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और होजियर वार्प, होजियर वार्प पे क्या होता है, होजियर में वाक्स लगा जाता है तो होजियर में थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है, वो वार्प काउंट में ज़्यादा आता है, उसी हिसाब से आपको स्पीड सेट करना पड़ेगा। और स्किलनेस ऑफ वाइंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किलनेस ऑफ वाइंडर मतलब कारीगर किस प्रकार के हैं। कारीगर अगर बहुत कॉम्पिटेंट हैं तो आपके नंबर ऑफ ड्रम, जैसे आप 30 काउंट में समझ लो आप 30 ड्रम देते हो या 40 ड्रम देते हो, वो बढ़िया से चला लेगा तो एफिशिएंसी उसी हिसाब से आएगा, वो आपको स्पीड भी अच्छा लेके चल सकते हो। तो कैलकुलेशन से पहले देखना पड़ेगा आपको कारीगर किस टाइप का है, मतलब किस मतलब स्किलनेस कितना है उसका। उसके बाद देखो मेंटेनेंस कंडीशन, अगर ऑटोकॉनर का मेंटेनेंस आपकी बहुत बढ़िया है तो आप इसमें स्पीड भी ज़्यादा ले सकते हो। उसके बाद आरएच प्लांट कंडीशन, आरएच प्लांट अगर आपकी सही काम करता है, जितना आरएच आपको चाहिए उतना रख सकते हो तो आप स्पीड वगैरह बराबर ले सकते हो। और नॉर्मल और फैंसी मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल में स्पीड अपना जो रहता है, फैंसी मटेरियल में थोड़ा कम रहेगा उसमें, जैसे कि अपना जैसे नेपी यान चला रहे हो, स्लब यान चला रहे हो, उसमें गैस तो ओपन चला लोगे लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि वो मटेरियल में आपकी स्ट्रेंथ नहीं रहता, स्ट्रेंथ कम रहता है, जिसके कारण में स्पीड थोड़ा कम रखना पड़ेगा।
उसके बाद देखो मटेरियल टाइप कॉटन और सिंथेटिक। मटेरियल मतलब कॉटन चला रहे हो या सिंथेटिक चला रहे हो, और काउंट भी इसमें अफेक्ट करता है, मतलब कितना काउंट, मतलब कोर्स काउंट में स्पीड कम रखोगे और फाइन काउंट में ज़्यादा स्पीड चलेगा। उसके बाद देखो मटेरियल डाई डेप्थ। मटेरियल जो आप चला रहे हो समझ लो डाई डायड प्लांट है, डाई का जो डेप्थ मतलब कोई कम हल्का डाई क्या हुआ, मतलब 2-4%, 5%, 10% डाई मटेरियल है, बाकी ग्रे है। कोई हैवी डाई रहता है, कोई सलीड सेट रहता है, कोई 100% डायड है, तो 100% डायड में स्पीड कम रखना है, मीडियम डाई में थोड़ा और बढ़ाना है, और लाइट सेट में थोड़ा और बढ़ाना, तो डाई का डेप्थ के हिसाब से आप स्पीड रख सकते हो। और कॉर्ड स्टेटस, कॉर्ड्स किस प्रकार के हैं, समझ लो एक्सपोर्ट का माल चला रहे हो, पूरा टाइट सेटिंग चलानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा कॉर्ड्स ज़्यादा आएगा। नॉर्मल माल चला रहे हो, डोमेस्टिक मटेरियल चला रहे हो, तो कॉर्ड्स थोड़ा लूज साइड रखोगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और डोमेस्टिक माल में इतना ज़्यादा क्वालिटी का मारामारी नहीं रहता जैसे एक्सपोर्ट में रहता है। ये सब फैक्टर आपकी अफेक्ट करता है ऑटोक्रोनिक कैलकुलेशन करने जाओगी तो। और कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ, देखो आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। एक 30 काउंट का रिम फ्रेम का एवरेज स्पीड हो गया 18,500, और टिप्पे ही हो गया समझ लो 23.2, इसमें मैंने टीएम पकड़ा 4.2 पकड़ा, ठीक है। और रिम फ्रेम प्रोडक्शन देखो 252 केजी पर 8 आवर। ये स्पिंडल कितना 1440 स्पिंडल का है, 93% एफिशिएंसी पकड़ा, तो 252 किलो आएगा 8 घंटे का रिंग का प्रोडक्शन। तो अगर एक रिंग का 252 किलो 8 घंटे का है, ऑटोक्रोम में क्या क्या इसको सेटिंग करोगे, ड्रम देखो एग्जांपल 30 काउंट लिया हुआ, ये भी 30 काउंट का ही है, ठीक है 30 kW हो गया कटन का। रैपिंग अपन रखे 30.5, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 78% रखे हुए, और आइसोलेशन लॉस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो। आइसोलेशन लॉस के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे आप रास्ते में मोटरसाइकिल चला रहे हो और जब स्टार्ट करोगे बिल्कुल स्लो स्पीड जीरो से बढ़ के जाएगा, और कहीं ब्रेक लगाओगे तुरंत ब्रेक नहीं लगता, वो जैसे 60 की स्पीड है तो ब्रेक लगाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता घट घट के जीरो तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन लॉस, मतलब जीरो से हाई स्पीड, हाई स्पीड से जीरो। ऐसे ही ऑटोकॉर्नर के ड्रम की केस में ऐसे ही रहता है, ऑटोकॉर्नर में धागा चल रहा है समझ लो कट्स हुआ, UIC काटा, तो काटने के बाद क्या होगा, ड्रम हाई स्पीड में चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा, फिर आपने स्प्लाइस किया, फिर बटन दबाया चालू किया तो जीरो से फिर बढ़ कर जाएगा। ये दोनों साइड का जो लॉस है इसी को आइसोलेशन लॉस बोलते हैं, और ये जनरली 9% तक रहता है, और ये कम ज़्यादा कब होगा समझ लो आपकी मटेरियल में कट्स बिल्कुल कम है या डबल की मटेरियल चला रहे हो बिल्कुल कट्स कम आता है, तो उस केस में या बिल्कुल लूज गेज चल रहा है, या आपकी स्लब की मटेरियल चल रहा है पूरा वाइड गेज में, या नेप्स का मटेरियल चल रहा है वाइड गेज में, उसमें का कट्स कम आएगा। कट्स कम आने से यह आपके 9% जाएगा, कोई 8% पकड़ता है, कोई 7% पकड़ता है, लेकिन 7 से नीचे कोई नहीं पकड़ता, ठीक है 7 से 9% तक रहेगा, इसमें मैंने 9% ले रखा। और ड्रम स्पीड देखो अपन 1450 MPM रखा ड्रम का स्पीड, और इसमें इफेक्टिव स्पीड कितना आ जाएगा, 1450 का स्पीड रखा, इसका 9% जो है ये घटा दिया हम, तो 91 मल्टीप्लाई करके 100 डिवाइड कर दिए, 1320 MPM हो गया एक्चुअल स्पीड। 1320 का स्पीड के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें क्या क्या करना, देखो इफेक्टिव स्पीड कितना आ गया 1320 × 0.283 डिवाइड बाई रैपिंग काउंट। ये जो 0.283 कहाँ से आया, एक मेरा एक टॉपिक है बेसिक फार्मूला, उसमें जाइएगा सब प्रकार का कैलकुलेशन का जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला जो अपन है 0.283 7.2 जितना प्रकार के है, मैं उसमें सारी एक्सप्लेन किया हुआ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मतलब MPM से अगर KG निकालनी है तो 0.283 में मतलब गुणा करना पड़ता है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखो ये हो गया 12.24 kg आ जाएगा इसमें।
ठीक है, ये 0.283 आप बेसिक फार्मूला वाला टॉपिक से देख के समझ जाइएगा, और इसमें इफेक्टिव स्पीड में 0.283 मल्टीप्लाई करके रैपिंग काउंट टू डिवाइड कर दिया, 12.24 केजी पर ड्रम पर एट आवर, 8 घंटे में एक ड्रम का प्रोडक्शन आया 12.24 केजी। उसके बाद देखो आर्ट एफिशिएंसी 78%, ऑटोकोनों का एफिशिएंसी रहता है, उसमें रेड लाइट रहता है, येलो लाइट रहता है, अलार्म भवन आएगा, कार्ड्स के लिए स्प्लाइस होगा, मशीन सफाई होगा, यूआईसी क्लीनिंग होगा, मतलब सारी प्रकार की हर्जा वगैरह ले ला के आपकी 22% हर्जा कट गया तो 78% का हम लिए। ये 78% 30 काउंट का लिए, जैसे कोर्स काउंट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, एफिशिएंसी का जो रेंज है 78 से और घट घट के जाएगा, जितना फाइन काउंट होगा ये बढ़ जाएगा, ऐसा कोई 78% फिक्स नहीं है। ये 30 काउंट के लिए मैंने इसको एक स्टैंडर्ड पकड़ा हुआ, कभी कभी समझ लो 64 काउंट चल रहा है या 80 काउंट चल रहा है तो उसमें आपकी 80, 82, 85 तक भी आ जाएगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ये वेरिएबल है, तो उस हिसाब से कितना हो गया, 78% में अगर ले लोगे तो 9.5 पर केजी से आया 8 घंटे में पर ड्रम, 8 आवर पर ड्रम, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ ड्रम्स रिक्वायर्ड, तो 252 केजी आया था एक रिम फ्रेम का, तो एक रिम फ्रेम के लिए कितना हो गया, 252 / 9.5, 26.5 मतलब 27 ड्रम का बैठता है। तो उस हिसाब से आप सारी काउंट का पर ड्रम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल देना, जैसे आपके पास 3 काउंट चल रहा है, 4 काउंट चल रहा है, सारे काउंट का पर ड्रम का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल देना, और रिंग का प्रोडक्शन 8 घंटे का कितना कितना हो रहा है, जैसे 20 काउंट का समझ लो आप हो रहा है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आपकी समझ लो 20 काउंट का हो रहा है 2 टन हो रहा है, तो उसी हिसाब से ड्रम निकाल देना, समझ लो 20 काउंट का आपकी 2 टन हुआ और 30 काउंट का 3 टन हुआ, 40 का 4 टन हुआ, तो उस हिसाब से आप पर ड्रम जो केजी निकाले हुए उसमें डिवाइड कर देने का तो आपके नंबर ऑफ ड्रम आ जाएगा। बोलो ये आपको मालूम होना चाहिए रिंग का प्रोडक्शन कितना, उसी हिसाब से ड्रम आप सेट कर लोगे। एक और बढ़िया चीज़ बोलता हूँ, आप इसको नोट करके रखिए, जैसे आपके पर रिम फ्रेम जितना ड्रम बनता है उतने का आप सेटिंग रखना ऑटोकोन में, कभी किसी में ज़्यादा नहीं रखना, समझ लो किसी मटेरियल में ज़्यादा कट्स आ रहा है, हाई कट्स आ रहा है, वो स्पिनिंग वाला की फॉल्ट के कारण आ रहा है, मतलब स्पिनिंग से बॉटम रोल गेज गड़बड़ है या ब्रेक ड्राफ्ट गड़बड़ है या रिम फ्रेम का सफाई नहीं होता या कुछ भी दिक्कत है जिसके कारण एक लॉट में समझ लो ये 3 काउंट जैसे चल रहा है, समझ लो 30 काउंट में आपकी ज़्यादा कट आ रहा है, तो ज़्यादा कट आ रहा है तो आप इसको ड्रम नहीं बढ़ा देना, ड्रम बढ़ा दोगे तो स्पिनिंग में जो फॉल्ट है वो फॉल्ट ही रहेगा, वो इसको सही कोई नहीं करेगा। तो 30 काउंट में जितना ड्रम है उतना ड्रम रखिए, मटेरियल अगर ज़्यादा जमा होता है तो हाईलाइट कीजिए, स्पिनिंग वालों को लिख के दीजिए कि ये मटेरियल निकल नहीं रहा है, कट्स ज़्यादा है, पीछे चेक करो, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कोई भी अबनॉर्मलिटी मटेरियल आता है, जैसे रिंग कट आया, हल्का डप आया, डी शेप आया, लो टिपे आया, ये कोई भी दिक्कत वाला बॉबिन आया तो इसको आप हाथों हाथ मेमो लिख के दीजिए, खाली ऑटोकोनर प्रोडक्शन कैलकुलेशन कर देने से आपका नहीं होगा, आप जो ऑटोकोनर का कैलकुलेशन करोगे उस हिसाब से कैसे स्मूथ चलेगा, वो आपको स्पिनिंग वाला को जितना टाइट रखोगे उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्शन स्मूथली निकलेगा। और ये जस्ट आपकी फंडामेंटल एक काउंट के लिए बता दिया, आप हर काउंट में इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। मेरा एक स्पिन प्लान वाला टॉपिक ये देखिएगा, उसमें कटन का भी सिंथेटिक का मैंने बनाया हुआ, उसमें मैंने डिटेल बैलेंसिंग लिखा, मतलब ऑटोकोनर का ड्रम बैलेंसिंग, ये इतना रिंग में इतना ड्रम, ये सारी में डिटेल समझाया हुआ, इसको देखिएगा आपके पूरा समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो मैं इतना में समाप्त करता हूँ, थैंक यू।